टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी ग्रो कर रही है। अभी कुछ साल पहले तक कि हम कीपैड मोबाइल्स यूज़ करते थे, उसके बाद स्मार्टफोन आया जिसमें आपको देखने को मिल गया डुअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप, उसके बाद नॉचेस, फुल स्क्रीन वाला स्मार्टफोन, उसके बाद अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके बाद अंडर डिस्प्ले कैमरा, और अब हम बात कर रहे हैं रडार सिस्टम की जिसे कि मोबाइल के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आज हम बात करेंगे रडार सिस्टम क्या है, प्रोजेक्ट सोली क्या है और ये वर्क कैसे करता है, और बात करेंगे पिक्सल 4 और पिक्सल 4 एक्सेल के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। गूगल का भी ना अपना एक अलग ही स्वैग है, क्योंकि जब मोबाइल कंपनीज डुअल कैमरास ला रही थी जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिल जाते थे, उस समय गूगल ने अपना नया फोन लॉन्च किया था जो कि था गूगल पिक्सल, जिसने की धूम मचा दी थी। और जो गूगल पिक्सल था वो मोबाइल फोन बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन माना जाता था। उसके बाद गूगल ने अभी ऑफिशियली अनाउंस किया कि जो गूगल के नए स्मार्टफोन आने वाले हैं जो कि है गूगल पिक्सल 4 और गूगल पिक्सल 4 एक्सएल, जिसमें कि आपको प्रोजेक्ट सोली देखने को मिल जाएगा। वैसे गूगल ने 5 साल पहले प्रोजेक्ट सोली को इंट्रोड्यूस कर दिया था, उस समय गूगल ने ऑफिशियली बताया था कि हम प्रोजेक्ट सोली को मोबाइल फोन्स और स्मार्ट वॉचेस में कर सकते हैं, और फाइनली गूगल ने इम्प्लीमेंट कर दिया है प्रोजेक्ट सोली को स्मार्टफोन में। सबसे पहले अगर बात करें कि प्रोजेक्ट सोली है क्या, तो जो प्रोजेक्ट सोली है वो है मोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो कि आपके मोशंस के अकॉर्डिंग और आपके फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग एक्शंस लेता है। और जो प्रोजेक्ट सोली है उसमें लगा हुआ है एक छोटा सा रडार, और ये वही रडार है जिसे हम यूज करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने में, मिलिट्रीज में, और एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में। तो रिसेंटली जो गूगल ने टीजर लॉन्च किया उसमें गूगल ने बताया है प्रोजेक्ट सोलिस के कुछ फीचर्स। गूगल का जो पिक्सल 4 और पिक्सल 4 एक्सएल जो लॉन्च होने वाला है उसमें लगा होगा एक शॉर्ट रेंज रडार जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपके जो मोशन है उनको डिटेक्ट करेगा थ्रू फ्रिक्वेंसी। और प्रोजेक्ट सोली जैसा ही सिस्टम आपको देखने को मिल गया था LG G8 में, जिसमें जो मोशन सेंसिंग होती थी वो आपके पाम के थ्रू होती थी, मतलब कि उस मोबाइल में कोई रडार नहीं लगा हुआ था, उसमें एक सिंपल से कैमरा लगा हुआ था जो कि आपके हैंड मोशंस को कैप्चर करके जो पर्टिकुलर टास्क है उसे कंप्लीट करता था। और ऐसी टेक्नोलॉजी हमें सैमसंग के S4 में भी देखने को मिल गई थी, जिसमें एक सेंसर लगा हुआ था जिसके थ्रू आप एयर कंट्रोल कर सकते थे, आप किसी भी इमेज को स्क्रॉल कर सकते थे और सॉन्ग्स को भी स्क्रॉल कर सकते थे। पर फाइनली गूगल अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसमें आपको प्रोजेक्ट सोली देखने को मिल जाएगा जो कि एकदम एक्यूरेट होगा, ना कि LG G8 और सैमसंग गैलेक्सी S4 की तरह। प्रोजेक्ट सोली के थ्रू आप सॉन्ग्स चेंज कर सकते हो, अलार्म को स्नूज कर सकते हो, और जो फोन कॉल्स आ रहे हैं उनको आप हैंड गेस्चर्स के थ्रू साइलेंट कर सकते हो। बाकी गूगल ने इससे ज्यादा फीचर्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए हैं, पर आने वाले टाइम में अपडेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट भी कर देगा। और ये भी कहा है जो प्रोजेक्ट सोली उसमें जो फेस डिटेक्शन होगा उसमें जो फेस का डाटा है वो किसी गूगल सर्विसेज के साथ शेयर नहीं करेगा, मतलब कि जो स्मार्टफोन आने वाला है उसमें ऐसी एल्गोरिथम सेट की गई है जो कि फेस डाटा को यूज़ तो करेगा पर वो मोबाइल में ही स्टोर रहेंगी। और जो फेस आईडी वो बहुत कम मोबाइल्स में सिक्योर है, क्योंकि जो फेस आईडीज आती है आजकल के मोबाइल्स में वो ज़्यादातर ऑप्टिक्स के थ्रू होती है, वो कैमरे के थ्रू होती है। बहुत कम ऐसे मोबाइल है जिसमें आपको देखने को मिल जाता है IR फेस आईडी। और गूगल का ऐसा कहना है कि जो इनका फेस अनलॉक होगा वो IR फेस अनलॉक से भी ज़्यादा सिक्योर होगा। और सोली में ऐसी एल्गोरिथम सेट की गई है जिसमें सोली को पता रहेगा कि कब फ़ोन को अनलॉक करना है और कब फ़ोन को अनलॉक नहीं करना है, ना कि IR फेस अनलॉक की तरह जिसमें आपको पहले पावर बटन को दबाना पड़ता था, उसके बाद जो फ़ोन है वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके अनलॉक करता था। और जैसे कि पिक्सल 3 एक्सेल में आपको नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिल गई थी, पर इस स्मार्टफोन में नॉच वाली डिस्प्ले नहीं है। और जो गूगल का पिक्सल 4 आने वाला है उसमें पिक्सल 3 की तरह डुअल फ्रंट कैमरास भी नहीं है, मतलब कि इसमें आपको सिंगल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और देखते हैं प्रोजेक्ट सोली फ्यूचर में कितना काम आता है, और जो प्रोजेक्ट सोली है वो टेक वर्ल्ड में अपनी जगह बना पाता है कि कितना अच्छा होगा ना कि हम हमारे घर में बैठे हुए हैं और जो घर के बहुत सारे अप्लायंसेस हैं उनको हम हमारे हैंड गेस्चर्स के थ्रू कंट्रोल कर पाए। जैसे कि ऐसा करो तो टीवी का जो वॉल्यूम बढ़ जाए, ऐसा करा घट जाए, ऐसा करने से पंखा चालू हो जाए, और बहुत सारे हैंड गेस्चर्स जिसके थ्रू हम हमारे घर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। चलो ठीक है ना, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।